हेलो बच्चों, तो आज हमारा करियर काउंसलिंग सेशन रहेगा होटल मैनेजमेंट के ऊपर. सो देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट होटल मैनेजमेंट कि जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट हो भैया उसी के लिए होटल मैनेजमेंट है. ये बिल्कुल गलत है. देयर आर इन्यूमरेबल एस्पेक्ट्स इन होटल मैनेजमेंट. उनमें से एक किचन है, ठीक है, या शेफ के लिए है. क्योंकि लोग होटल में क्यों जाते हैं? सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं? नहीं. अगर हम बड़े होटल की बात कर रहे हैं तो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होती हैं, रूम्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, मैरिजेस होती हैं, और खाना खाने के लिए भी एक पार्ट वो भी है उसके लिए. रिक्रिएशन सेंटर है, क्लब्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे और वैराइटीज़ हैं उसके अंदर. तो आप सोचिए कि जो 5-स्टार होटल है या 7-स्टार होटल है या 3-स्टार होटल भी है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम सिखाया जाता है होटल इंडस्ट्री के अंदर. उसमें से एक पार्ट है शेफ वाला. यू गॉट माय पॉइंट? जैसे कि एक बंदा एंटरप्रेन्योर है, उसने होटल खोला, उसको सब्जी नहीं बनानी आती, तो शेफ अपॉइंट करेगा ना. बाकी तो काम वो खुद करवाएगा ना, मार्केटिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी करेगा, रूम्स के लिए भी करवाएगा, इंटीरियर डेकोरेशन से भी करवाएगा, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं. तो होटल इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत कुछ सीखा जाता है. तो पहली बात तो ये 12th का बच्चा कर सकता है, यानी कि 12th जो पेपर दे चुका है, इमीडिएटली बाद अप्रैल में ही पेपर हो जाता है IHM का, पूसा का मेन. तो ठीक है, क्योंकि ऐसे पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, वो हम स्लाइड्स दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. तो कोई भी स्ट्रीम से हो बच्चा, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, वो बच्चा होटल इंडस्ट्री में कर सकता है. तो किसको करना चाहिए होटल इंडस्ट्री का? मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, सबसे पहले तो पैशन है. लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए या पढ़ने के लिए, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं अभी मेरा पैशन डेवलप ही नहीं हुआ. तो ये बात फैक्ट है, 90% का पैशन डेवलप नहीं होता. साइंस वाले फिर भी सोच लेते हैं कि मेरे को 12th के बाद मेडिकल करना है, तो वो 2 साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, या मुझे JEE का पेपर क्लियर करना है या इंटीरियर में जाना है लाइक दिस. लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ज़्यादातर नहीं सोचते कि उनका पैशन कहाँ है. तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप पर्सनली मिलें आप हमारे को, सो दैट वी कैन चेक योर परफॉर्मेंस और IQ लेवल, देन वी विल एनालाइज कि भैया क्या पैशन बन सकता है आपके अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर आपने सोच रखा है होटल इंडस्ट्री में मना, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले मेरे को कोर्सेज नहीं करने, लाइक ट्रेडिशनल कोर्सेज CA, CS, BA, BCOM ऐसे कोर्सेज नहीं करने, BBA, CBA, तो आप होटल इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, इस तरह के कोर्सेज को करके अपना करियर बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बोलते हैं BBA करने के बाद तो नौकरी नहीं मिलती जी, होटल वाले तो वेले घूम रहे हैं, जर्नलिज्म के बाद कुछ नहीं है. तो जिनके लिए कुछ नहीं है ना, उनके लिए कुछ ही नहीं है. जिसने कुछ करना है वो स्टार्टिंग में कभी सैलरी की परवाह नहीं करता, उसको आगे मिलती है. पहले काम तो सीखो, पहले 3-4-5 साल का ये कोर्स होता है, उसके बाद थोड़ा इंडस्ट्री में जाओ, वर्क एक्सपीरियंस लो, तभी पैसा मिलेगा. तो वो जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, 1-2 साल काम किया, बोले 10,000 की नौकरी मिल रही है जी, तो काम आएगा तभी तो उसके बाद 50,000 भी मिलेंगे. तो इसके जो जॉब्स प्रोस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ हो सकते हैं. तो आपको ध्यान से वीडियो सुननी है, 5 से 10 मिनट की एक वीडियो बनेगी. अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की करियर मेरे लिए आगे खुलते जा रहे हैं आफ्टर 12th. ठीक है, और फ्यूचर में भी हम वीडियोस डालते जाते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी क्या कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सो माय नेम इज जितेंद्र बुद्धि राजा फ्रॉम एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट. तो आज का पहला स्लाइड है हमारा, व्हाई टू चूज होटल मैनेजमेंट. तो उसमें हमारा पहला पॉइंट लिखा है, दिस कोर्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे मैंने बताया कि 12th के बाद कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम का हो. दूसरा पॉइंट लिखा है, फास्ट ग्रोथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर एक्सेलेंट रीजन टू कंसिडर इन कैरियर इन होटल मैनेजमेंट. फास्ट ग्रोथ का मतलब यही है कि दिस इज नॉट द स्टीरियोटाइप कोर्स. अब क्या होता है, होटल के अंदर जब आपको पूरी ट्रेनिंग में आपको किचन की भी ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, थोड़ा अकाउंट्स भी सिखाया जाता है, हॉस्पिटैलिटी भी सिखाई जाती है. अब आप कितनी मेहनत करते हो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी तेज़ी से ग्रोथ है, इसलिए फास्ट ग्रोथ लिखा है. अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्री. तो पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने, एविएशन. एविएशन का मतलब क्या होता है, एविएशन का मतलब होता है जैसे एयर इंडस्ट्रीज. आपने देखा होगा आप कभी भी किसी फ्लाइट में गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वो इंटरनेशनल हो, तो आपने देखा होगा एयर होस्टेस. उस एयर होस्टेस में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर इसमें फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं. तो वो आपसे पूछते हैं हाउ दे कैन सर्व यू, ठीक है. तो उसमें वो भी पूछते हैं, ड्रिंक्स लेंगे, खाना लेंगे. अगर छोटी सी फ्लाइट है तो वो कुछ वैसे ऑफर करेंगे पेड बेसिस पे, बड़ी फ्लाइट है तो वो एक तरह से आपको मैंडेटरी मिल ही जाता है उसके अंदर.
तो लाखों लोग एविएशन इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं फॉर ट्रैवलिंग हर रोज। तो किसी की 5 घंटे की फ़्लाइट है, किसी की 8 घंटे की है, किसी की 10 घंटे की, किसी की 24, तो खाना नहीं मिलेगा क्या? तो खाना क्या रास्ते के ढाबे से लेके आएंगे क्या? वो ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रॉपर शेफ़ लगाए जाते हैं और ये सारे शेफ़्स ट्रेंड होटल मैनेजमेंट कोर्स से आ रहे होते हैं। तो अगर यही एविएशन है तो भैया रेलवे डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा? तो रेलवे भी उतना ही बड़ा डिपार्टमेंट है। आपने देखा होगा राजधानी एक्सप्रेस के अंदर प्रॉपर मील मिलती है, बहुत सारी ट्रेन के अंदर प्रॉपर मील मिलती है। तो एक रेलवे डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो जैसे अगर हम रेलवेज लेते हैं तो पूरा दिन कॉरपोरेट ऑफिस या बड़े बड़े ऑफिस जो एम्प्लॉई सुबह 8-9 बजे आ जाता है और शाम के 6-7 बजे तक आता है, वो कहता है मेरे को तो लंच लाने का बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज कल तो ऑफिस के अंदर भी उन्होंने अपना कैफेटेरिया बना रखे हैं और जिसमें प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे हायर किए जा सकते हैं। तो कोई बंदा सोचे कि भैया 5 स्टार और 7 स्टार तो बड़े लिमिटेड हैं, तो भैया आपकी सोच लिमिटेड है, स्कोप हर जगह होता है। और अभी मैंने पहले बार बता दिया था कि ये सोचें कि सिर्फ शेफ़ बनना है तो भूल जाओ, हॉस्पिटैलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है उसके अंदर। अब हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पे भी आपको कस्टमर से डील करना है, वो सारी इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, टूरिज्म हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कस्टमर सर्विसेज हो, वहाँ पे भी ये वाले एम्प्लॉई जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है वो प्लेस हो सकते हैं। तो हम लोग दिमाग में जैसे जर्नलिज्म में सिर्फ जर्नलिस्ट के बारे में सोचते हैं, होटल इंडस्ट्री में सिर्फ किचन के बारे में सोचते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दो प्लीज़। गुड फॉर पीपल हु लव टू ट्रैवल तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और नॉट वेरी गुड सैलरी इन द स्टार्टिंग बट लेटर गुड पैकेजेस आर ऑफर्ड। तो स्टार्टिंग में तो आप ये बात पक्की है वेदर यू कैन और बीबीए जर्नलिज्म, स्टार्टिंग में कहीं अच्छा पैकेज नहीं मिलता। कई बार तो बीटेक वाले भी बेचारे 10-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी एक बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल कहाँ कहाँ हैं, तो ये लिस्ट दी हुई है हमने कहाँ कहाँ से मिलेगा। बीएचएम, फिर बैचलर होटल मैनेजमेंट, बीएचएम सिटी, फिर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल। तो ये आप एक बार लिस्ट आपको पास पूरी रिकॉर्ड में आ जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हो। तो कोई डिप्लोमा कोर्सेज देता है, कोई डिग्री कोर्सेज देता है, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज देता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ 50% नंबर चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी चाहिए होटल इंडस्ट्री के लिए, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो बच्चा सोचता है भाई मैं तो 80% वाला हूँ, 90% वाला हूँ, मैं क्या ये छोटा मोटा कोर्स करूँगा? तो भैया IMM में जाने के लिए भी 60% ही चाहिए, ये मत सोचना IMM वालों को 90% चाहिए। तो कोई भी 50% या 60% का मोहताज नहीं होता, डिपेंड्स वही वाली बात आ जाती है, आपका पैशन क्या है, आपका टेस्ट क्या है, मूड क्या है, उसके ऊपर ही आपकी डेवलपमेंट निकलती है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगता है तो आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, HR डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 50% हो गया इंग्लिश कंपलसरी। GD और PI कई कई जगह मांगते हैं और कई कई जगह नहीं मांगते, लेकिन ये आपको अंदर से पता होना चाहिए, इफ़ यू ऑप्ट होटल इंडस्ट्री तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बात किससे होने वाली है, डायरेक्ट कस्टमर से होने वाली है। बैकएंड भी होता है, ये नहीं है कि सिर्फ बैकएंड नहीं होता, बैकएंड भी होता है, बट अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा या इम्प्रूव कर सको तो करना चाहिए। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको कैसे। हाउ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन फॉर दिस होटल इंडस्ट्री और व्हाटसोएवर फॉर द UG कोर्सेज, ये हमारा काम है। वो आपके अंदर पैशन भी जागृत करना हमारा काम है, तभी हमने यहाँ पे लिखा है मोटिवेशनल स्पीकर। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन लेके आना ये हमारा काम है, लेकिन उससे पहले आपको हमारे से मिलना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी, सो दैट सिर्फ YouTube पे वीडियो देख के आप बोलो मुझे सब समझ में आ गया, आई कैन क्रैक होटल इंडस्ट्री एट माई होम, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। डायरेक्शन तो चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या चाहिए एक मैनेजमेंट कोर्स के अंदर, क्या सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, UG के अंदर इंग्लिश तो मस्ट है, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश मस्ट है। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा करंट अफेयर्स भी आ जाता है, थोड़ा सा बेसिक साइंस आता है, सर्विस एप्टीट्यूड, हाउ टू टैकल विद द कस्टमर्स प्रॉब्लम लाइक दिस, लॉजिकल एंड रीजनिंग सब्जेक्ट, थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस, आजकल वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो ये देखा जाए तो ये सारा कुछ हर एक कोर्स के अंदर आ रहा है, एक्सेप्ट सर्विस एप्टीट्यूड। आप BBA का पेपर दो, जर्नलिज्म का दो, BBA का दो, सब कुछ उस पर आ रहा है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि भैया बहुत टफ होने वाला है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कॉलेजेस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है IHM, जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर पूसा माना जाता है, तो वो IHM में है। और 45% चाहिए, उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, यही एंट्रेंस टेस्ट अप्रैल में हो जाता है। तो आप खुद सोचो, मार्च एंड में आपके बोर्ड के पेपर ख़त्म होते हैं,
अप्रैल में ये एंट्रेंस हो जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट? 15-20-25 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, सीटें सिर्फ 4-5 हज़ार होती हैं, 20-30 हज़ार बच्चा फेल होएगा, तो आपको पहले हमारे से बात करनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ेगी, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो। ऑनलाइन वाला ये नहीं सिंपल जूम खोला और बोल रहे हैं, वहाँ पे आधों के सिग्नल नहीं आ रहे, आधों को आवाज़ नहीं आ रही ना, जिस तरह की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी हम आपको दे रहे हैं उसी तरह से पूरा रिकॉर्डेड कोर्स बना के हमने आपको दे दिया, सो दैट यू कैन वॉच अवर वीडियोज अगेन एंड अगेन। बच्चा कहता है मेरे को ना समझ में आए, तो भैया बटन दोबारा देख, तीसरी बार देख, चौथी बार देख, तो क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर मैंने एक वर्ड का मतलब लिख दिया, जैसे हुपला का मतलब लिखा गुड अटेम्प्ट या ग्रेट एक्टिविटी, तो इसमें क्या नहीं समझ में आएगा? तो आप उसको बार बार देखने से, क्लासरूम में तो होता है एक बार एक टीचर ने बोला दोबारा पूछने में शर्म आती है, वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हो, और जो बच्चा हमारे साथ क्लासरूम में बैठा उनको भी हम ये वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो घर जाके उस कोर्स को दोबारा से देख सके। और ब्राई के अंदर है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया रखा हुआ है, स्टेप नाम है उसका, और 50% चाहिए एंट्रेंस टेस्ट, ज़्यादातर आजकल सिर्फ इंटरव्यूज ही ले रहे हैं वो। और ताज में भी ऐसे ही है, सिम्बॉयसिस अपना सेट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और आई पी यूनिवर्सिटी का मैंने पहले ही बताया एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सबके लिए ज़्यादातर 50% चाहिए एक्सेप्ट IHM के लिए। नेक्स्ट, IHM के लिए 26 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें बेस्ट अभी हमने बताया था क्या है, पूसा, जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ओबराय इसके अंदर बहुत अच्छा कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, जिसमें 3 साल तो सिखाएंगे, 2 साल साथ में जॉब ही देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग बोलते हैं पढ़ाई आगे बहुत महंगी होती है, कहाँ महंगी भैया, फ्री ऑफ, आपको बस इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन लेने तो आना ही पड़ेगा ना, तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा हम बता देंगे आपको। कंसिडर टू बी द टफेस्ट होल्डर, बोला जाता है कि ओबराय का या ताज का ये टफेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर एनफ पैशनेट तभी आप ओबराय का पेपर क्लियर कर सकते हो। आगे ताज के लिए भी 5 साल हैं, 3 साल का कोर्स है और 2 साल जॉब के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको पहले प्री प्लान काम करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। IP यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री कोर्स देता है ये, और कैटरिंग के अंदर देता है, मैनेजमेंट के अंदर देता है, 4 साल का कोर्स होता है। तो इस तरह से अभी आपने समझा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स या होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या करना है। 3 साल का कोर्स भी है, 4 साल का कोर्स भी है, और 5 साल का कोर्स भी है। कई जगह पैसे नहीं लग रहे, कई जगह IHM की फ़ीस भी बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, बट हाउ टू क्रैक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यूट्यूब पर देखता तो है, देख के वो सोचता है मैं घर पे बैठ के तैयारी भी कर लूँगा, मेरे को मैथ्स भी आ जाएगा, इसमें बेसिकली थोड़ा मैथ्स भी आता है, इंग्लिश भी आ जाएगी, देन यू आर डाइवर्टेड एंड डेविएटेड, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 26 ईयर, वी आर मैनेजिंग ऑल दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मैनी फील्ड्स। तो इस तरह से हमारे जो प्रिस्क्राइब नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उससे आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाएगी हाउ टू क्रैक दैट, बट आपको हमारे को टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी जिन बच्चों को पता ना हो उनको पता चले। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपके पास सारी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।